नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो पे। सो गाइस, जो आज का वीडियो होने वाला है, इस वीडियो पे हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हम फ्री फायर को अपने लो एंड पीसी पे रन कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पोटैटो पीसी के बारे में नहीं बोलूंगा कि आपके पास 1 GB रैम है और आप फ्री फायर खेल सकते हैं। यहाँ पर एक बेस सिस्टम रिक्वायरमेंट है, अगर आप उतना फुलफिल करते हो देन आप फ्री फायर खेलने के लिए आराम से रेडियो। इनफैक्ट अगर आपके पास 4 GB रैम है और 3 GB रैम है तो अगर आप फ्री फायर लैग करता है तो ये इम्यूलेटर आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। की मैपिंग करने का जरूरत नहीं है और ये आपको अच्छा बेहतर FPS देता है। तो शुरू से लेकर अंत तक देखना, हर एक स्टेप आपको फॉलो करना है, देन जाके आप फ्री फायर को अपने लो एंड पीसी पे खेल पाओगे। तो यहाँ पर मैं मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात कर लूँ दोस्तों, यहाँ पर आपके पास रैम 2 या 3 GB के आसपास होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो मिनिमम 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करो तो मिनिमम आपके पास इंटेल AMD डुअल कोर का प्रोसेसर होना चाहिए आपके पीसी या लैपटॉप पे। और इस इम्यूलेटर को इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम आपके पास 900 MB का स्पेस खाली होना चाहिए आपके पीसी या लैपटॉप पे। तो अगर आप इतना सिस्टम रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो तो बिना किसी लैग, बिना किसी इशू के आप फ्री फायर अपने पीसी या लैपटॉप पे खेल सकते हो। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई करके आ रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने वीडियो को स्टार्ट कर दो। सबसे पहले आपको स्मार्ट गागा एंड हमारा जो फ्री फायर का लेटेस्ट APK है वो डाउनलोड करना है। यहाँ मैं बता दूँ, सिंपली आपको APK डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको गेम को पूरा डाउनलोड करना है मेरे भाई। अगर आप OBB में पेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट एज अ फ्रेश इंस्टॉल करने के लिए आपको गेम को डाउनलोड करना पड़ेगा। 600 MB डाउनलोड करना, बस ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको स्मार्ट गागा को डाउनलोड करना है। ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है 3.6 का। इसका साइज अप्रॉक्स आपका 300 MB के आसपास है। तो इन दोनों का लिंक मैं अपने वेबसाइट पे दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करना। यार और कहीं से डाउनलोड करते हो, कोई वायरस आता है तो इसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँ, तो इसलिए मैं लिंक दे दूंगा, आप वहीं से डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले स्मार्ट गागा को हम ओपन करते हैं। सिंपली आपको ओके पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, एग्री करना है। एंड जिस भी डायरेक्टरी पे आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं वहाँ पर आप इंस्टॉल कर ले। तो मैं इसे ई में इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अपन नेक्स्ट करते हैं एंड यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, सिंपली अपन नेक्स्ट करते हैं, इंस्टॉल में क्लिक कर लेते हैं। सो वेल के जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा स्मार्ट गागा वो इंस्टॉलेशन चालू हो चुका है दोस्तों। इंस्टॉल होने में भी 5-10 मिनट ले सकता है, तो चलिए इसे इंस्टॉलेशन होने देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो स्मार्ट गागा है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली आपको ये सेकंड वाले ऑप्शन को अनचेक करना है एंड फिनिश पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो आपका स्मार्ट गागा रहेगा वो ऑटोमेटिकली ही लॉन्च हो जाएगा। इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, थोड़ा नया इंटरफेस यहाँ आपको देखने को मिलता है। तो सिंपली आपको सबसे पहले यार सेटिंग्स में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर सेटिंग कर, तो यहाँ पर आपको बेसिक में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, एज यूजुअल जैसा है वैसे रहने देना आपको। सिंपली हम एडवांस पे आते हैं। यहाँ पर दोस्तों बाय डिफॉल्ट यहाँ पर डायरेक्ट एक्स रहेगा। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो आप डायरेक्ट एक्स सेलेक्ट करना, चाहे आप इनबिल्ट 1 GB ग्राफिक कार्ड हो या 2 GB ग्राफिक कार्ड हो, तो सिंपली आप डायरेक्ट एक्स सेलेक्ट करना। और अगर आपके पास इंटेल HD ग्राफिक कार्ड है 512 MB, तो यहाँ पर आप OpenGL को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट एक्स सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर आपको अपने हिसाब से कोर को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका कोर रहेगा 2 कर लेना है। एंड यहाँ पर अगर आपके पास कंप्यूटर पे 2 GB रैम है तो सिंपली आपको यहाँ पर 1536 को सेलेक्ट करना है। और अगर आपके पास 4 GB रैम है तो सिंपली आपको 204 MB रैम को सेलेक्ट करना है। और अगर आपके पास 8 GB रैम है तो सिंपली आपको 4096 MB को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर आपको और कुछ भी नहीं करना है। गेम में आते हैं, गेम में आपको और कुछ भी नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसे ही रहने दे। रेंडर क्वालिटी को आप यहाँ पर नॉर्मल में कर ले, हाई या मीडियम बिल्कुल मत करना, ऑटो में तो करना ही मत। तो सिंपली एज यूजुअल जैसा है वैसे ही करना, सिंपली हम सेव पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ से हम इसे कट करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें जो हमने जो फ्री फायर का जो हमने ये जो APK डाउनलोड किया था, सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्मार्ट गागा में और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा ये एंड आई थिंक ओके। तो यहाँ पर जो हमारा है यहाँ पर आ भी चुका है फ्री फायर का जो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको प्ले स्टोर में लॉग इन हो जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपली हम यहाँ पर लॉग इन हो जाते हैं फटाफट से। अब तो यहाँ जो हमारा प्ले स्टोर से हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है अपना ईमेल अकाउंट को। तो यहाँ पर मैं प्ले स्टोर से इसलिए आपको लॉगिन करने बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको एरर ना आए जब आप फ्री फायर गेम को डाउनलोड करें। तो सिंपली आपको फ्री फायर के APK को ओपन करना है। अब कुछ लोग बोलोगे भाई प्ले स्टोर से डाउनलोड क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि प्ले स्टोर से अगर आप डाउनलोड करने जाते तो कुछ आपको एरर देखने को मिलता है।
तो अभी वो एरर आ रहा है, उसे मैं जल्दी फिक्स कर दूंगा। बट एज यूजुअल इसका एक अल्टरनेटिव आपको ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली आपको आप फ्री फायर के एप्लीकेशन को ओपन करना है। सकते यहाँ पर जो है हमारा डाउनलोडिंग प्रोसीजर चालू हो चुका है एंड यहाँ पर अपने जो मैं मोबाइल की डेटा है उससे डाउनलोड कर रहा हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर स्पीड थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। क्योंकि अधिकतर यूज़र जो इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे वो अपने मोबाइल डेटा ही से ही अपने लैपटॉप या पीसी पे खेलेंगे, तो इसलिए मैं उसी से डाउनलोड कर रहा हूँ। तो चलिए इसे डाउनलोड होने देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अपना गेम है वो चालू हो चुका है। सिंपली यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, सिंपली मैं सेटिंग्स पे चलता हूँ। सिंपली आपको सेटिंग्स पे चलना है एंड बाय डिफॉल्ट यह स्मूथ रहेगा तो आप वही करें। ग्राफिक्स स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड तक आप जा सकते हैं बट अल्ट्रा में मत जाना। तो स्मूथ में खेलोगे तो अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। सेंसिविटी पे आते हैं तो जो मैंने सेंसिविटी यहाँ पर करके रखा है वो आप कर सकते हो। बाकी कंट्रोल्स पे आते हैं दोस्तों तो आपको कस्टम में करना है। अब यहाँ पर बहुत सारे मन में सवाल रहता है कि भाई की मैपिंग करना पड़ेगा, बट मैं यहाँ पर बता दूँ ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आपको की मैपिंग पहले से करके मिलता है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। सिंपली हम सेव पे क्लिक करते हैं एंड बैक पर चलते हैं एंड बाकी और तो कुछ करना नहीं दोस्तों। सिंपली हम गेम को स्टार्ट करके देखते हैं, देखते हैं हमारा गेम कैसे चल रहा है। एंड यहाँ से आप फुल स्क्रीन इसे कर सकते हो। सिंपली हम गेम को स्टार्ट करते हैं। हमारा गेम ओपन हो चुका है एंड यहाँ पर मेरे को अभी तक कोई भी लैगनेस या कोई भी ऐसा ग्लिच देखने को नहीं मिल रहा है। एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ही अच्छा अपने को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अभी अपने
डेटा से खेल रहा हूँ, तो यहाँ पर वो पिन फ्लैक्चुएट होते दिख रहा होगा ऊपर, बट तभी भी मेरे को यहाँ पर कोई भी लैग्स देखने को नहीं मिल रहा है। तो वैसे तरफ अपने लो एंड पीसी में आप फ्री फायर खेल सकते हैं वो बिना परेशानी के। ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड हाँ दोस्तों अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करो जो इस गेम को खेलना चाहते हैं। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।